आपको जानकर हैरानी होगी कि पावर ट्रांसफॉर्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, फिर भी यह 11000 वोल्ट को एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पर स्टेप अप और डाउन कर देता है। इसके अलावा थ्री फेज इंडक्शन मोटर और भी ज्यादा हैरान करती है, क्योंकि यह भी सेम ट्रांसफॉर्मर की तरह ही काम करती है, लेकिन बस रोटेट करती है। सबसे पहली बार ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एसी सप्लाई पर काम करता है, डीसी पर नहीं। इसे थोड़ा आगे विद कंसेप्ट समझ लेंगे। तो मिस्टर फेराडे कहते हैं कि जब आप किसी वायर में सप्लाई देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा। यह फोर्स अपने आसपास में एक फील्ड जनरेट करेगा जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, लेकिन एसी केस में यह फील्ड बाई डायरेक्शनल होता है। कुछ ऐसी अल्टरनेटिंग करंट की वेवफॉर्म होती है, यहाँ से यहाँ तक वेवफॉर्म इंक्रीज हो रही है तो वायर में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वापस कम होने लगेगी। यहाँ से वेवफॉर्म नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगेगी तो मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन बदल लेगा और फील्ड की स्ट्रेंथ ठीक पॉजिटिव साइड के ऑपोजिट होगी। यदि कुछ ऐसी कोयल में एसी सप्लाई दी जाएगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल भी जनरेट होंगे, लेकिन यह पोल बदलते रहेंगे अकॉर्डिंग टू वेवफॉर्म। यदि इसी कंडीशन में डीसी सप्लाई दी जाएगी तो कोयल का मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, जिसकी वजह से यह कोयल एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करेगी। इस कोयल को इंडक्टर भी बोल सकते हैं और डीसी सप्लाई में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, इसलिए ट्रांसफॉर्मर डीसी पर ऑपरेट नहीं करते हैं। यदि पावर ट्रांसफॉर्मर में डीसी सप्लाई दी गई तो अपने आसपास में इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा कि यह सभी चीजों को अपनी तरफ खींच लेगा। यदि इस कोयल के पास में हम सेम दूसरी ठीक ऐसी ही कोयल लेकर आएंगे तो यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी कोयल को कट करेगी, जिससे इस कोयल में भी एक फोर्स जनरेट होगा जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, इन शॉर्ट EMF, और वोल्टेज का दूसरा नाम इलेक्ट्रिक फोर्स ही होता है। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इनको टेक्निकल लैंग्वेज में फ्लक्स लाइन बोलते हैं, और इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, जिससे पावर ट्रांसफर होती है। तो एक तरीके से वायरलेस पावर ट्रांसफर हो रही है, और इसी कंसेप्ट को यूज में लेकर वायरलेस चार्जर भी बने हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वायरलेस चार्जर फोन में एसी सप्लाई ही भेजते हैं, जबकि हमारा स्मार्टफोन डीसी पर ऑपरेट करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? रीजन फाइंड आउट करके कमेंट में जरूर से लिखना। पावर ट्रांसफॉर्मर की आयरन की कोर में कुछ ऐसी छोटी छोटी पत्तियां होती है, और इन सभी ब्लेड्स पर वार्निश की कोटिंग की जाती है। इसके पीछे का रीजन थोड़ा आगे समझेंगे। और सभी ब्लेड को एक साथ जोड़कर फिर से दोनों साइड में इम्प्रेग्नेटेड पेपर की कोटिंग की जाती है, जो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, और उसके बाद में दोनों कोयल को सेट किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर की कोयल कोर को टच नहीं करती है। अब इन कोयल को हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कह सकते हैं। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देंगे तो इसमें जो फ्लक्स लाइन इंड्यूस होगी उनको आयरन की कोर पाथ प्रोवाइड करवाती है सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचने के लिए, जिससे सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF इंड्यूस होगा। अब अज्यूम करते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में टोटल टर्न 100 है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टोटल टर्न 50 है। यहाँ पर आप एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो एक टर्न है उसमें जो EMF इंड्यूस होगा, सेम टू सेम इतना ही EMF सेकेंडरी वाइंडिंग के एक टर्न में जनरेट होगा, क्योंकि जितनी फ्लक्स लाइन इस एक टर्न से निकल रही है उतनी ही तो सेकेंडरी वाइंडिंग के एक टर्न में पहुंचेगी। तो अब यदि हम सेकेंडरी वाइंडिंग पर फोकस करें तो सभी के सभी टर्न सीरीज में कनेक्टेड है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज हमें मिलेगा वह सभी टर्न्स में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसी का टोटल तो होगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज यानी EMF इक्वल होगा सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स के। ऐसा ही प्राइमरी वाइंडिंग में होगा, EMF इंड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। EMF और वोल्टेज में एक छोटा सा फर्क होता है, वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग के टर्मिनल पर लगा हुआ है, जब ये वाइंडिंग में पहुंचेगा तो वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से थोड़ा सा वोल्टेज कम हो जाता है, और जैसे ही वोल्टेज कम होता है तो हम उसको बोलते हैं कि इतना इतना EMF इंड्यूस हुआ है। अब अज्यूम करते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में 100 वोल्ट हमने दिया तो सेकेंडरी वाइंडिंग में 50 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि 50 टर्न में से सभी टर्न की कैपेसिटी 1 वोल्ट की है, और सबने अपना अपना 1 वोल्ट लेकर 50 वोल्ट दे दिया, जो हमें सेकेंडरी में मिलेगा, यानी वोल्टेज स्टेप डाउन हो गया। इसी तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके वोल्टेज बढ़ाया जाता है। अब थोड़ी आसानी के लिए हमने एक इक्वेशन बना ली, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज इक्वल टू EMF इंड्यूस इन प्राइमरी अपॉन EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी। एक स्टेप और आगे बढ़े तो करंट भी आ जाता है, और करंट वोल्टेज का जस्ट ऑपोजिट होता है। तो सिंपल सी बात है, ट्रांसफॉर्मर यदि वोल्टेज को बढ़ाता है तो करंट को कम कर देता है, क्योंकि पावर हमेशा फिक्स रहती है। वोल्टेज करंट को कम ज्यादा किया जा सकता है, पावर नहीं बदली जा सकती।
जब ट्रांसफॉर्मर में सप्लाई दी जाती है तो अकॉर्डिंग टू फेराडे ईएमएफ इंड्यूस होगा और ईएमएफ फ्लक्स लाइन भी जनरेट करेगा। इसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मर की कोर है उसमें सर्कुलेटिंग करंट भी जनरेट होगा और इस सर्कुलेटिंग करंट को एडी करंट बोलते हैं, जिसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पानी में कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि कुछ ऐसा भंवर बनता है, ठीक ऐसा ही एडी करंट होता है जो कोर में घूमता है। इसलिए आयरन की कोर को सबसे पहले पतली पतली पत्तियों में डिवाइड किया जाता है, उसके बाद में एक एक ब्लेड को लेमिनेट किया जाता है। लेमिनेशन की थिकनेस 0.25 mm से 0.50 mm तक होती है। इसी लेमिनेशन की वजह से जो कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वह रिड्यूस हो जाता है और एरिया का रेजिस्टेंस से इनवर्स रिलेशन होता है, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस आपको पता है करंट का दुश्मन होता है। तो इस तरीके से एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस किया जाता है। पावर ट्रांसफॉर्मर में जो आयरन की कोर होती है वह एक्चुअल में कोल्ड रोल्ड ग्रीन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, जो हिस्ट्रीसिस लॉसेस को रिड्यूस करती है। हिस्ट्रीसिस लॉसेस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, इसी की वजह से इंड्यूस होते हैं। और आपको पता है जो ट्रांसफॉर्मर में हमिंग नॉइज सुनाई देती है वह इसी मैग्नेटिक फील्ड के बार बार चेंज होने की वजह से सुनाई देती है, जिसको मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोलते हैं। इस मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की वजह से ट्रांसफॉर्मर की कोर एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो एक हमिंग नॉइज जनरेट करती है। इसके अलावा भी ट्रांसफॉर्मर में बहुत सारे लॉसेस होते हैं, लेकिन मेन यही है। ट्रांसफॉर्मर में ठीक ऐसी ही तीन वाइंडिंग होती है थ्री फेज के लिए, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर को देखते हैं तो उसमें आयरन की कोर कुछ ऐसी होती है थ्री फेज सिस्टम के लिए, जिसमें सबसे पहले हर फेज के लिए प्राइमरी वाइंडिंग को सेट किया जाता है। यदि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो प्राइमरी वाइंडिंग में कम टर्न्स होते हैं और वोल्टेज कम और करंट ज्यादा होता है, तो यहाँ पर काफी थिक कॉपर वायर काम में लिए जाते हैं। यह कॉपर वायर कम्प्लीटली इंसुलेटेड रहते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग को तैयार किया जाता है। दोनों वाइंडिंग के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, पावर ट्रांसफर इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू ही होती है। वाइंडिंग का कनेक्शन दो अलग अलग कनेक्शन में किया जाता है। जो हाई वोल्टेज साइड होती है वह स्टार कनेक्शन में कनेक्टेड रहती है। स्टार कनेक्शन में थ्री फेज और न्यूट्रल भी मिलता है, इसलिए आपने हाई वोल्टेज लाइन के साथ में हमेशा एक एक्स्ट्रा वायर देखा होगा जो न्यूट्रल का होता है। लो वोल्टेज साइड डेल्टा कनेक्शन में कनेक्टेड रहती है, इसमें सिर्फ थ्री फेज होते हैं। दोस्तों कन्फ्यूज नहीं होना है, मुझे पता है थोड़ा ज्यादा ही टेक्निकल है, पर टेक्नोलॉजी बहुत कमाल की है। अब यार 3D एनिमेशन की स्किल भी बहुत कमाल की है, आप चाहो तो हमारी 3D कम्युनिटी में आ सकते हो। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एक ही जगह यूज होता है, पावर प्लांट में, जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वहीं से वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में जितने भी ट्रांसफॉर्मर होते हैं वह सभी के सभी स्टेप डाउन होते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में हाई वोल्टेज साइड डेल्टा में और लो वोल्टेज साइड स्टार में कनेक्टेड रहती है। दोस्तों आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, और इसका रिप्लाई यदि आपने सही से दे दिया तो आपके कमेंट को मैं पिन जरूर से करूंगा। ट्रांसफॉर्मर की एक साइड स्टार में कनेक्टेड रहती है तो दूसरी साइड डेल्टा में कनेक्टेड रहती है, और ऐसा हमेशा ही होता है कि ट्रांसफॉर्मर की एक साइड दूसरी साइड के जस्ट ऑपोजिट कनेक्शन में कनेक्टेड रहती है। रीजन फाइंड आउट करके कमेंट में जरूर से लिखना। ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग को टैंक में रखा जाता है और टैंक में ऑयल भरा रहता है। ट्रांसफॉर्मर में मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल यूज होता है, जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। इस ऑयल के दो पर्पज है, यह ट्रांसफॉर्मर में कूलिंग भी करता है और इंसुलेशन भी प्रोवाइड करवाता है। इतना सब होने के बाद ट्रांसफॉर्मर को पैक कर दिया जाता है। ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग बॉडी से टच नहीं हो जाए, इसलिए हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड के लिए बूशिंग लगी रहती है, जो एक इंसुलेटर ही है। यह बूशिंग पोर्सलेन की बनी होती है। पावर ट्रांसफॉर्मर के साइड में बड़े बड़े रेडिएटर लगे रहते हैं, जिनके अंदर कुछ ऐसी पतली पतली प्लेट होती है और बीच में से एयर फ्लो होने के लिए जगह होती है। जब ट्रांसफॉर्मर फुल लोड पर होता है तो वाइंडिंग काफी गर्म होने लगती है और वाइंडिंग के कॉन्टेक्ट में आकर ऑयल भी गर्म होने लग जाएगा, और ऑयल गर्म होकर ऊपर उठने लगेगा और रेडिएटर से होकर फ्लो होने लगेगा। रेडिएटर बेसिकली जो ऑयल का सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देता है, और जब ऑयल गर्म रेडिएटर से फ्लो होगा तो नेचुरल एयर इस गर्मी को लेकर आगे निकल जाएगी। पावर ट्रांसफॉर्मर में कूलिंग के लिए रेडिएटर पर बड़े बड़े फैन भी लगे रहते हैं, जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने लग जाते हैं जब ट्रांसफॉर्मर ज्यादा गर्म होता है। तो जब ट्रांसफॉर्मर अपने रेटेड टेम्परेचर से 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी ऊपर चला जाता है तो इंसुलेशन की लाइफ हाफ हो जाती है। ट्रांसफॉर्मर के ऊपर एक बड़ा और टैंक लगा रहता है, जिसको कंजर्वेटर बोलते हैं। इसमें ट्रांसफॉर्मर के लिए एक्सेस ऑयल भरा रहता है। यह टैंक ऑयल से आधा ही भरा रहता है, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मर फुल लोड पर होता है तो ऑयल गर्म होकर एक्सपेंड करने लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर कहीं फट ना जाए, इसलिए ऑयल एक्सपेंड होकर कंजर्वेटर में चला जाता है।
कंजर्वेटर से एक डिवाइस और कनेक्टेड रहती है जिसको ब्रीदर बोलते हैं। तो ऑयल एक्सपेंशन की वजह से गैस बाहर निकलेगी, उसको ब्रीदर से एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है, लेकिन ब्रीदर का काम कुछ और ही होता है। जब ट्रांसफॉर्मर का तेल ठंडा होगा तो वापस कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा और ट्रांसफॉर्मर बाहर से हवा को अंदर खींचेगा। इस कंडीशन में एनवायरनमेंट के अंदर एयर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है और यह मॉइस्चर ट्रांसफॉर्मर के ऑयल में चली गई तो वाइंडिंग डैमेज हो जाएगी। इसलिए ब्रीदर में सिलिका जेल भरा रहता है जो मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड की वजह से वाइंडिंग इंसुलेशन डैमेज हो जाता है और ऑयल में बबल्स क्रिएट होने लगते हैं, और इन बबल्स की वजह से ट्रांसफॉर्मर में बहुत सारी गैसेस इंट्रोड्यूस होती है और ट्रांसफॉर्मर टैंक का प्रेशर बढ़ने लगता है। तो कंजर्वेटर और ट्रांसफॉर्मर टैंक के बीच में एक रिले लगी रहती है जिसका नाम बखोल्स रिले है। यह रिले पूरी की पूरी ऑयल से भरी रहती है और इस रिले के अंदर एक ट्यूब होती है जो एक एंगल पर कुछ इस तरीके से सेट रहती है और इसके अंदर मरकरी भरा रहता है और मरकरी आपको पता है एक कंडक्टिंग मेटल है। तो ट्रांसफॉर्मर टैंक में प्रेशर बढ़ने की वजह से टैंक में गैस जनरेट हो रही है वह इस रिले में आने लगेगी और ऑयल धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस प्रेशर की वजह से यहाँ पर लगा फ्लोट भी स्ट्रेट होने लगेगा जिसकी वजह से फ्लोट से जुड़ी मरकरी इन दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में कनेक्शन बना देगी और एक जबरदस्त अलार्म बजने लगेगा। अलार्म को सुनकर जीएसएस में बैठा हुआ जूनियर इंजीनियर ट्रांसफॉर्मर को ट्रिप कर देगा, लेकिन मान लो कि अलार्म काम ना करे तो बखोल्स रिले के अंदर सेम ऐसी ही एक ट्यूब और होती है। तो जब सीवियर फॉल्ट होता है तो गैसियस प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑयल और नीचे आने लगेगा और यह स्विच भी एक्टिवेट हो जाएगा ठीक ऊपर वाले जैसे ही। इस स्विच का काम है ट्रांसफॉर्मर के पास लगे सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजना, जिससे सर्किट ब्रेकर ही ट्रांसफॉर्मर को ट्रिप कर देगा। एक वर्स्ट सिचुएशन और लेकर चलते हैं, मानकर चलते हैं कि सर्किट ब्रेकर भी ऑपरेट नहीं हुआ और टैंक के अंदर जबरदस्त ऑयल का प्रेशर क्रिएट हो गया। यदि यह टैंक फट गया तो ऑयल काफी गर्म है और काफी दूर में फैल जाएगा, जिसकी वजह से फायर को बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यह ऑयल एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है और एक 400 केवीए ट्रांसफॉर्मर में 450 लीटर ऑयल भरा रहता है। तो टैंक के ऊपर एक एक्सप्लोजिव वेंट लगा रहता है जिससे ऑयल जिस तरीके से हमारे घर में कुकर ऑपरेट होता है ठीक उसी तरीके से यह ऑपरेट होगा और हाई प्रेशर को बाहर रिलीज कर देगा। लेकिन जो पावर ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें एक एक्स्ट्रा फीचर और होता है, ट्रांसफॉर्मर के पास में ही जमीन के अंदर टैंक बनाए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऑयल ट्रांसफॉर्मर टैंक से इन्हीं टैंक के अंदर चला जाएगा और ट्रांसफॉर्मर ट्रिप हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पावर ट्रांसफॉर्मर को स्टार्ट करना कोई आसान काम नहीं है। जब ट्रांसफॉर्मर को ऐसे ही स्टार्ट कर दिया जाता है तो हाई इनरस करंट जनरेट होता है जो फुल लोड करंट का 4 से 5 गुना होता है, जो वाइंडिंग को डैमेज कर सकता है। इसलिए पावर ट्रांसफॉर्मर को हमेशा इस वेवफॉर्म के पीक पॉइंट पर स्टार्ट किया जाता है ताकि इनरस करंट को रिड्यूस किया जा सके। ट्रांसफॉर्मर को लाइन से कनेक्ट करने से पहले प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ एक सर्किट ब्रेकर लगा रहता है फॉल्टी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मर को ट्रिप करने के लिए, और उससे पहले लाइटिंग अरेस्टर लगा रहता है जो लो रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करवाता है और लाइन में आ रहे एक्स्ट्रा सर्ज को ग्राउंड कर देता है। पावर ट्रांसफॉर्मर काफी हेवी और कॉस्टली इक्विपमेंट आते हैं, यदि ये डैमेज होते हैं तो बहुत सारे इक्विपमेंट को डैमेज कर देते हैं, इसलिए इनकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। यदि आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो तो एक बार पावर ट्रांसफॉर्मर 400 केवीए या 220 केवीए जीएसएस में जाकर जरूर से देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एनिमेशन की दुनिया में आना चाहो तो हमारा कोर्स आपको एनिमेशन सिखाने में बहुत हेल्प करेगा, सभी की सभी डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हमारी कोशिश है फ्यूचर में और भी अच्छे वीडियोज लाने की, तो सब्सक्राइब करके लाइफ अड्डा के परमानेंट मेंबर बन सकते हो। थैंक यू।